शरबत बन गई मेरी। अमेजिंग। जाइए बहुत टेस्टी बनाई है मैंने, सॉरी। कल मैंने खाए आलू के पराठे और आज सुबह से मेरा स्टमक अपसेट फील कर रहा था, तो मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। सुबह से पानी पी रही हूँ और पानी पी के अभी थोड़ा ठीक हुआ है, तो इसलिए मैंने एप्पल उड क्या बोलते हैं बेल, हिंदी में हम लोग गाँव में बेल का शरबत बोलते हैं, तो मैंने वो बनाया। संडे को बाय करके लेके आई थी, मैं मार्केट गई हुई थी तो, और फिर बहुत टेस्टी बना है। इसे कैसे पीते बताती हूँ मैं। फिर पीना चाहिए मुंह में लेके, पूरा मुंह में एकदम पूरे मुंह में आप घुमाइए इसे, फिर इसे डाउन कीजिए। बहुत टेस्टी है, मैंने इसमें थोड़ी सी शुगर डाली है कि मीठा कम था। बिना शुगर के ऐसे बहुत टेस्टी बनती है, मुझे बहुत पसंद है ये, बस लेकिन थोड़ी सी मैंने शुगर डाली है इसमें। पी गई। और आज अब मैं थोड़ी देर बाद लंच बनाने जाऊंगी। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई थी आलू बैंगन की सब्जी और चपाती, सब्जी बची हुई है, सब्जी मैं आपको दिखाऊंगी। मजा आ गया एकदम मस्त मजा आ गया। ये सब्जी बनाई थी मैंने, बहुत कम ऑयल डाली थी, आलू बैगन की सब्जी, लाल मिर्च है, तो सब्जी बची हुई है तो उसे मैं लंच में सब्जी यूज़ कर लूँगी। और फिर मैं बनाऊँगी अपने लिए, बनाऊँगी मैं दूसरी सब्जी, क्योंकि आज से मैं डाइटिंग फिर से शुरू करने जा रही हूँ। गर्मी आ चुकी है, काफ़ी दिन से डाइट रुक रखा था, तो अब मैं फिर से उसे स्टार्ट करूँगी, बस करते जाना है। और मैं सोच रही हूँ आज से मैं स्टार्ट करूं, बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, पूरी वीडियो देखना, एंड में बताऊंगी कुछ डिफरेंट बातें बताऊंगी आज, तो बस ठीक है। और जो शरबत बची हुई है वो संदीप जी के लिए मैं रख देती हूँ, फ्रिज में नहीं रखूंगी क्योंकि वो ठंडा पीते नहीं है, और आपको पहले ही मैंने बता रखा, तो ऐसे ही बाहर रखूंगी, जब वो आएंगे तो शर्व कर दूंगी बस, और कुछ नहीं। किचन साफ करूंगी, थोड़ी देर में कचरा वाला आएगा, कचरा लेके जाएगा, तब तक मुझे वेट करना है कचरा वाले के आने का, तो कचरा लेके कब जाएगा तब। और फिर और भी दूसरे काम है वो भी करूंगी जाके। मैं क्या करूं, आप लोगों के पास कोई नुस्खा है तो बताओ, मेरे बाल उठ रहे हैं, बहुत कम हो गए इस साइड से, कुछ बताओ कि मेरे बाल आ जाए। तो बस आपके लिए इतना ही, लंच बनाती हूँ फिर वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये नारियल मैंने निकाल लिया, और आधी नारियल इधर बची हुई है, इसे भी निकाल लेते हैं, इसे निकल ही गई, ये भी निकल ही गई, इसे मैं फेंक दूंगी। और इन सभी नारियल को अभी फिर से मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी, और जब दूध निकालना होगा इनका तो दूध निकाल लूंगी। और प्रॉपर दूध निकालने की वीडियो जो रेसिपी है मैं वीडियो में डाल दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी इसकी लिंक, और वीडियो के आई बटन पे भी डाल दूंगी, और आप चाहे तो जाके चेक भी कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में, मैंने इसकी प्रॉपर कोकोनट मिल्क की रेसिपी शेयर कर रखी है, तो
अब जब मैं रेसिपी में यूज़ करूँगी तो डायरेक्ट मैं वो दिखाऊँगी, इसको मिल्क निकालते हुए नहीं दिखाऊँगी। तुरई मैंने काट ली है, इस साइड मैंने कोकोनट का मिल्क बना लिया। कढ़ाई मेरी गरम हो रही है, अब इसमें मैं डालूँगी घी, मेरे पास है ऑर्गेनिक काउ घी, पर ये ख़त्म हो गई है, थोड़ी सी है। डाल दिया, फिर इसमें अब डालेंगे हम जीरा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये रहा, एक हाथ से करना था इसलिए मैंने पहले डाल लिया। इसमें थोड़ी सी घी लगी हुई है, मैंने सोचा इसी से थोड़ा उल्टा पुल्टा कर लूँ ताकि घी निकल जाए। और बस इसमें थोड़ी सी नमक डालूंगी, हल्दी डालूंगी, हो गया, और कुछ नहीं डालूंगी। इसमें कोई पैसा नहीं करना, मुझे बहुत सिंपल सब्जी बना रही हूँ मैं आज, बहुत दिन से खा लिया, बहुत मसाले डाइट वाइट कुछ नहीं करना, बस सिंपल सी है सब्जी बनाया है, निकल गई बस। जीरा रख देती हूँ ऊपर, नमक अभी नहीं डालूंगी, और इसके साथ मैं खाऊंगी राइस बनाऊंगी अपने। सब्जी बस बनने वाली है, ऑलमोस्ट पक ही चुकी है। मैंने इसमें अभी तक कोई पानी नहीं डाला इसका। ये कोकोनट का मिल्क निकाल लिया है मैंने, ये फर्स्ट मिल्क ही है, इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा डाइल्यूट करके बनाया था, तो ये पहला मिल्क ही मैं बनूंगी। पर ये 3-in-1 मिल्क है, लेकिन जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें 3 टाइप के मिल्क निकाले, थिक, उससे थोड़ा नीचे, और फिर सबसे पतला मिल्क। तो ये तीनों एक साथ है, इसलिए मैं इसे गरम नहीं करूंगी, सब्जी बंद होने के बाद ही उसमें डालूंगी, दैट्स इट, मिल्क का काम ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं राइस बनाती हूँ। सब्जी हो गई है, अब इसमें डायरेक्ट मैं मिल्क डालूंगी। आप चाहे तो ऐसी भी सब्जी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है सब्जी, पर मैं मिल्क वाली खाऊंगी आज। बस गैस मैंने पहले ही बंद कर दिया था, हो गई। ये रोटी संदीप जी ने बनाई है, ये रोटी है, इसे क्या बोलते हैं, नान है वो। अच्छा, ये नान है, नान की सेब की रोटी, नान की सेब की रोटी है, रोटी नहीं सॉरी नान। तुरई की सब्जी, आलू बैंगन की सब्जी और रोटी, ये रहा पूरा प्लेट तैयार है। मैं अभी खाना बना रही हूँ, सामान बिखरे हुए हैं, ऐसे ही मैं आज का लंच यही है।